वाह, क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है, क्या लिखा है भाई साहब। चलो इसे दवाइयां लेकर आते हैं। आई एम श्योर कि ये एक चीज आपके साथ हर एग्जाम में हुई होगी, क्योंकि मेरे साथ भी ये हर एग्जाम में हुई है। क्या बैड हैंडराइटिंग वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं? जवाब है नहीं। कोई भी एग्जाम में आपके मार्क्स बैड हैंडराइटिंग वजह से नहीं काटेगा। लेकिन लेकिन क्या आपके मार्क्स अनटाइडीनेस और जवाब नीट ना होने के कारण कट सकते हैं? बिल्कुल हाँ। कैसे सर? बात को ध्यान से देखो, एग्जामिनर को आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है? अगर सवाल आपने सवाल का जवाब अच्छे से दिया हुआ है तो उसको साफ साफ लिखें, ताकि हर एक वर्ड एग्जामिनर ठीक से पढ़ पाए। क्योंकि अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे या तो वर्ड्स पढ़ने में दिक्कतें होंगी तो फिर वो मार्क्स कट जाएंगे आपके, सिंपल सी बात है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जामिनर को कंफ्यूज ना करो कि ये जवाब किस सवाल का है। तो हर एक सवाल के बीच में प्रॉपर एक एक लाइन का गैप छोड़ोगे तो वो भी अच्छा होगा। साथ में वर्ड्स के बीच में भी अगर एक एक इंच का गैप छोड़ोगे तो वो भी काफी अच्छा होगा, ठीक है? और आखिरी बट नॉट दी लास्ट, जितनी ज्यादा सुंदर आपकी पेपर लगी उतना ही मूड एग्जामिनर का अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी डॉक्टर की शीट नहीं देखना चाहता है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आप ज्यादा काटा कूटी ना करें। अगर जवाब गलत होता है, कोई भी वर्ड्स गलत होते हैं, बस एक सिंगल लाइन से काटे, वो एक्सेप्टेबल है।